हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आग का खुलासा, गुजरात में मोदी के सीएम रहते 2140 करोड़ का हुआ घोटाला, 16 सालों तक सरकारी खर्चे का हिसाब नहीं। भ्रष्टाचार मुक्त का नारा देने वाली प्रधानमंत्री के गृह राज गुजरात में हजारों करोड़ का घोटाला सामने आया है और ये घोटाला उनके कार्यकाल के दौरान भी हुआ है, लेकिन हैरत की बात यह है कि सालों तक ये सब चलता रहा और कोई कार्रवाई नहीं की गई। कैग ने अपनी रिपोर्ट में इसका खुलासा किया है। गुजरात में भी सरकारी धन के खर्चे के इस्तेमाल में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। 16 वर्षों से विभाग 19 विभागों के कई मदों में खर्च धन का हिसाब किताब ही नहीं दिया गया। वर्ष 2018 में आई कैग की ऑडिट रिपोर्ट में इसका इस गड़बड़ झाले का खुलासा हुआ है। ये मामला बिहार के चारा घोटाले जैसा ही है। वहाँ की इसी तरह अलग अलग सरकारी स्रोतों से पैसा निकालने के बाद उनके खर्च का हिसाब नहीं था। वर्ष 2001 में लेकर वर्ष 2015-16 के बीच करीब 2140 करोड़ रुपए का इस्तेमाल कहाँ हुआ, इसका सरकार ने उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं दिया है। ये पैसा किसी एक या दो मामलों में गायब नहीं हुआ, बल्कि 100 से ज़्यादा मामलों में पैसे की गड़बड़ी की गई है। ऑडिट की अवधि जो समय है सिर्फ मई 2014 के बाद का वक्त छोड़ दें तो बाकी समय नरेंद्र मोदी राज्य के मुख्यमंत्री रहे। ऑडिट के दौरान चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि 14.41 करोड़ के गबन में 155 से ज़्यादा मामलों में सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। 2528 कार्यों के लिए जारी 228.03 करोड़ रुपए का हिसाब किताब पिछले 8 साल से अधिक समय से लटका हुआ है। इसी तरह 64 कार्यों के लिए जारी 2050 करोड़ की धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र 6 से 8 साल बीत जाने के बाद भी जमा नहीं हुआ। वहीं 166.50 करोड़ के 155 से ज़्यादा उपयोगिता प्रमाण पत्र 4 से 6 वर्ष बीत जाने पर भी नहीं जमा हुए। इसके अलावा 942.45 करोड़ के यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट 1 से 2 साल के बीच से निलंबित हैं। इतनी लापरवाही तब है जब गुजरात के वित्त मंत्री नियम 1970 और जनरल फाइनेंशियल रूल्स 2005 के मुताबिक किसी भी विशेष योजना के तहत अगर बजट जारी हो तो वित्तीय वर्ष खत्म होने के अधिकतम 12 महीने के भीतर उसका हिसाब किताब सहित उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन में जमा कर दिया जाए ताकि पता चले कि धनराशि का सही इस्तेमाल हुआ है या नहीं। सिर्फ इतना ही नहीं, नियम के मुताबिक जब तक कोई विभाग या सरकारी संस्था जारी बजट का उपयोगिता प्रमाण पत्र ना दे दे तब तक उसे दूसरा बजट न जारी किया जाए। लेकिन नियम सिर्फ कागज पर ही जिंदा है क्योंकि 2140 करोड़ रुपए का हिसाब नहीं दिया गया और विभागों को इसके बावजूद बजट मिलता रहा। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।